कहते हैं जब नीचे वाला इंसान डंडे मारता है तो शरीर पे वार होता है और पता चलता है, और जब ऊपर वाले डंडा मारता है ना तो पता भी नहीं चलता, और वो जो डंडे पड़ते हैं ना इंसान को टेंशन होता है, मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें आज ये जो रूल है और ये जो कहावत है महेश भट्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती और पड़ती है। ये जो महेश भट्ट है वो लीगल प्रोडक्ट नहीं है, इलीगल प्रोडक्ट है। आलिया भट्ट रियल में किसकी बेटी है और आज तक महेश भट्ट के पिताजी कौन है ये पता नहीं। और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, कल्चर में ऐसे ऐसे कांड इस परिवार ने किए हैं कि ये जो प्रोडक्ट है भट्ट परिवार, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन से, इंडियन कल्चर से। दोस्तों महेश भट्ट के पिताजी गुजराती ब्राह्मण थे और इनकी जो माता थी वो गुजराती मुस्लिम थी। तो ये जो दोनों इनके माँ बाप थे वो दोनों की शादी भी नहीं हुई थी और ये महेश भट्ट जन्म ले लिए। अब किसी को ये पता ही नहीं है कि रियल में महेश भट्ट के पिताजी कौन है, क्योंकि इन दोनों का ना शादी हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये पैदा ले लिए, जिस कारण से आप ये समझ लो कि हमारे इंडियन कल्चर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ये रिलीजन, फिर भी महेश भट्ट आ जाते हैं। चलो इसके बाद भी ये नहीं रुकते हैं, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। महेश भट्ट जब थोड़े बड़े होते हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक राइटर के रूप में सामने आते हैं लोगों के बीच में, और बोल्ड बोल्ड सीन वाली मूवीज़ बनाना शुरू करते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवी बनाते हैं जिससे कोई सीख मिलने वाली नहीं है आपको। बहुत सारी ऐसी मूवी इन्होंने बनाई है जिसको देख करके हमारी इंडियन कल्चर बिल्कुल ही उसको बायकॉट करेगी, बहिष्कार करेगी। जब महेश भट्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये एक ऐसी लड़की से शादी करते हैं, लॉरियन ब्राइट, जो कि इस्लाम धर्म को इन्होंने कबूल किया और लॉरियन ब्राइट से शादी कर ली। मतलब अब वो हिंदू मुस्लिम में तो थे ही, इनका क्या रिलीजन है इनको पता नहीं, अब इस्लाम की तरफ ये चले जाते हैं एक शादी करने के लिए लॉरियन ब्राइट से, और उनके नाम को चेंज करके इन्होंने किरण भट्ट उसका रख दिया। और उसके बाद जब इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया उसके बाद इनके दो बच्चे होते हैं, एक पूजा भट्ट और एक राहुल भट्ट। अब पूजा भट्ट और राहुल भट्ट की जो बातें सामने आती हैं, पूजा भट्ट के बारे में एक बार मैगजीन में महेश भट्ट ने यह भी कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इसे शादी कर लेता। मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देने के पहले इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मतलब ऐसी इंसान ऐसा कैसे सोच भी कैसे सकता है। राहुल भट्ट का बड़े से बड़े गैंगस्टर से भी कॉन्टेक्ट है, जिस कारण से मैं बोल सकता हूँ कि महेश भट्ट एक आतंकवाद फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद जब इनकी लॉरियन ब्राइट से रिलेशन चल रही थी और इनके जीवन में पूजा भट्ट, राहुल भट्ट जैसे बेटे थे, बेटियां थीं, उसी बीच में प्रवीण बॉबी इनके जीवन में आते हैं और उनके साथ इनके बहुत सारी हिस्टोरिकल कंट्रोवर्शियल इनके सामने, लोगों के सामने आने लगती हैं, और जिस कारण से लॉरियन ब्राइट इनको छोड़ देती हैं। फिर उसके बाद महेश भट्ट सोनी राजदान से शादी कर लेते हैं जो कि मुस्लिम धर्म की होती है, और उससे शादी करने के बाद ये मुस्लिम बन जाते हैं और उनसे दो बेटी होती है, एक शाहीन और एक आलिया भट्ट। लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि जो आलिया भट्ट है वो पूजा भट्ट की बेटी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बयान बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना, बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे मीडिया लोगों ने इसको छापा भी था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से महेश भट्ट हैं हो सकता है कि ये पॉसिबल भी हो। दोस्तों महेश भट्ट की ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें, ऐसी ऐसी भ्रष्टता की बातें जब मैं अपनी कानों से सुनता हूँ ना तो मेरी कानें हिल जाती हैं। जब उनकी बातें मैं सुनता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम और आप उनको झेलते हैं और उनको बड़े से बड़े डायरेक्टर हम लोग बनाते हैं, बड़े से बड़े स्टार हम लोग बनाते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम कौन कहाँ की है, कौन से हम ही लोग मिल के ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे इंडियन कल्चर के अगेंस्ट जाते हैं, ऐसे लोगों को हमें बायकॉट करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हमें इस समाज से बहिष्कार करने की ज़रूरत है। और ऐसा इंसान जो अपने बेटी के बारे में ऐसा घटिया सोच रखता हो, ऐसे लोगों को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए हमारे समाज में। दोस्तों तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि महेश भट्ट के पिताजी हिंदू थे, माँ मुस्लिम थी, पत्नी इस्लाम थी, उसके बाद बेटी क्या हुई पता नहीं, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये पूरी तरह से हमारे इंडियन कल्चर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है महेश भट्ट। तो आप महेश भट्ट को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो ये कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बताना, और निम्न स्तर की कमेंट देना आप क्या सोचते हो महेश भट्ट के बारे में। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया,
आप लोग कंफ्यूज हुए या नहीं पता नहीं, आप लोग क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आशीष राठौड़ विदा लेता हूँ, फिर एक नए सोच के साथ नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।